Hello students, today I am going to teach you difference between home key and guide key. Class 9 information technology में हमें ये जो टॉपिक है होम की एंड गाइड की, इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादातर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इस टॉपिक को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे. व्हाट इज होम की? होम की एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है? अल्फाबेट ए एस टी एफ, आप ये जो कीबोर्ड में देख रहे हो ना कि ए एस टी एफ, तो ये जो अल्फाबेट है आर द होम की फॉर लेफ्ट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड के लिए. एंड सेमीकोलोन एल के जे फॉर द राइट हैंड, तो आपके दोनों हाथों के लिए कीबोर्ड में ये पोजीशन है, ठीक है? ये जैसे ऊपर की जो आप देख रहे हो रो, दैट इज कॉल्ड अपर रो, ठीक है? और नीचे की रो को बोलते हैं लोअर रो. तो ये जो बीच की आती है ना, इसमें ये चार कीज ए एस टी एफ, इन्हें हम लेफ्ट हैंड के लिए यूज करते हैं. लेफ्ट हैंड की चार फिंगर इस पे रखते हैं, और सेमी कोलोन एल के जे इस पे हम राइट हैंड की फोर फिंगर्स रखते हैं. तो दैट इज द होम कीज. एंड व्हाट इज द गाइड की? गाइड की क्या होता है, ठीक है? अब आपने प्रीवियस में क्या देखा कि होम की में क्या करते हैं, वो फिंगर्स को रखा जाता है. तो लास्ट अगर आप ध्यान दो, लास्ट क्या था, इस साइड लेफ्ट की साइड में एफ था और राइट की साइड में जे था. तो ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड द की एफ एंड जे आर कॉल्ड गाइड कीज फॉर द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रिस्पेक्टिवली. अब इसको गाइड की क्यों बोल रहे हैं, ठीक है? ये देखो, आप इधर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये आपको निशान दिख रहा है, एफ के नीचे ये टेंजिबल निकला हुआ है, ठीक है? यहाँ पर जे के नीचे भी ये टेंजिबल, मतलब उभरा हुआ सा निशान है. तो जब आप होम की के ऊपर रखते हो तो एक तरह से ये आपका ब्रेक है कि यहाँ इससे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है? जी और एच के ऊपर आपने फिंगर नहीं रखनी है, उसको आपने खाली छोड़ना है. द फिंगर आर ट्रेन टू मेक द करेक्ट मूवमेंट to other key and each finger returns immediately to its respective home key after it. Typing किया फटाफट और वापस अपनी उसी key पे आ जाते हैं, ठीक है? तो F और J आपको guide कर रहा है कि ये आपकी home key है, ठीक है? तो दोनों की जो index finger हो गई तो वो identify कर लेती है, वो जो उभरा हुआ सा tangible जो part है उनका, वहां से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये गाइड किया कि बाकी कीज ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है. बोथ कंटेन द स्मॉल रेज्ड टेंजिबल मार्क विद द हेल्प ऑफ व्हिच द टच टाइपिस्ट. टच टाइपिस्ट क्या होता है? जो कि कीबोर्ड में नहीं देखता है, वो सीधा टाइप करता रहता है. उसने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि सीधा सिर्फ टाइप किया जा रहा है, ठीक है? तो दैट इज अ टच टाइप. अगर आप भी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, तो आप भी टच टाइपिस्ट. तो टच टाइपिस्ट को ऑटोमेटिकली उसकी फिंगर फील करती है गाइड की से कि मैं सही पोजीशन पे पहुंच चुका हूं. कैन प्लेस द फिंगर करेक्टली ऑन द होम की. फॉर मोर कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.